नमस्कार साथियों, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, ऐतिहासिक होता है और जीतने वाले और हारने वाले सबके लिए कुछ न कुछ वो सिखा कर जाता है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद एक चुनाव हुआ, जिन परिस्थितियों में हुआ वो आपके सामने है। कैसे जम्मू कश्मीर को बेइज्जत किया गया, राज्य का दर्जा छीना गया वो आपके सामने है, और कैसे केंद्र सरकार ने रूल बाय प्रॉक्सी अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से किस तरह से जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार, कैसे वहाँ के स्थानीय नागरिकों की न सुरक्षा का ध्यान रखा न रोजगार का ध्यान रखा। लगातार जो खबरें, आतंकवाद बढ़ने की खबरें, जम्मू रीजन तक में आतंकवादी हमले होने लगे, न आम नागरिक वहाँ सुरक्षित महसूस करता है, न पर्यटक महसूस करते हैं अपने आप को सुरक्षित। कश्मीरी पंडितों से जो वादे किए गए वो बिल्कुल भुला दिए गए पिछले 10 साल में। ये सब इन परिस्थितियों के बीच में कश्मीर, जम्मू कश्मीर में एक चुनाव हुआ, ऐतिहासिक चुनाव था, और जम्मू कश्मीर के वासिंदों ने एक स्पष्ट जनादेश दिया। जम्मू कश्मीर, आज भी हम उसको राज्य ही मानते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि उन्होंने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और करारा जवाब दिया उन लोगों को जिन्होंने जम्मू कश्मीर को की इज्जत को रौंदने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जैसा कि हम आप सब जानते हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाना अपने आप में अप्रत्याशित था। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहाँ तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहाँ भी लगातार शिकायतें, हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, तीन जिलों से, हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहाँ से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी, और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स ने वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे, कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। जयराम रमेश जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजी में अपनी बात रखें। मैं सिर्फ ये बात कहूंगा कि जम्मू और कश्मीर के जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन को, भारी बहुमत से उनको जिताया है, सरकार बनेगी, साझा कार्यक्रम होगा और पूरा प्रयास किया जाएगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस गठबंधन सरकार की प्राथमिकता यूटी को फिर से पूरे राज्य का दर्जा मिलना ज़रूरी है और यही प्राथमिकता होगी,
और भी मुद्दे हैं, विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं, साझा कार्यक्रम दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो भी है, साझा कार्यक्रम भी तैयार किया जाएगा और एक पारदर्शिता से जवाबदेही और संवेदनशील सरकार एक गठबंधन जम्मू और कश्मीर की जनता को देगी। हरियाणा के संदर्भ में हमने चुनाव आयोग से आज दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं, उनसे जवाब भी आया है, उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं और उसके बाद भी तीन या चार जिलों से बड़े गंभीर शिकायत आए हैं, वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। इसके ऊपर मैं आज कुछ नहीं कहूँगा, जब हम सारे शिकायत इकट्ठा करके चुनाव आयोग से समय मांगेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो समय हमें मिलेगा, कल या परसों तक हम उम्मीद करते हैं कि हम चुनाव आयोग के सामने एक विस्तार से जो अलग अलग ज़िलों से अलग अलग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से शिकायतें आई हैं, कुछ आज हमने इलेक्शंस कमीशन के सामने रखा था, पर और भी हैं और बड़े गंभीर मुद्दे हैं ईवीएम को लेकर और जिस तरीके से एक माहौल पैदा करने की प्रयास की गई, दबाव स्थानीय अधिकारियों पर लाया गया और जहां जिन जिन सीटों में हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी वहां हम हारे हैं। मैं समझता हूं ये नतीजा लोक भावना के खिलाफ है, जो जमीनी हकीकत है और सभी ने ये हकीकत को महसूस किया है, ये नतीजा उसके खिलाफ जाता है। आई विल जस्ट रिपीट दिस इन इंग्लिश वेरी ब्रीफली। द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव गिवन अ क्लियर डिसाइसिव कन्विंसिंग मैंडेट टू द नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस अलायंस। The priority for the alliance government will be the restoration of full statehood for the union territory of Jammu and Kashmir. Of course, we have our manifestos, we will have a common program, and both the National Conference and the Indian National Congress are duty bound to give a government an administration that is responsible, responsive, accountable and transparent to the people of Jammu and Kashmir. I just want to say that the people of Jammu and Kashmir have defeated the mischievous designs of the BJP to engineer a majority of its own. Till yesterday, this effort was being made, but today, I think the people's verdict has come out very clearly, and the moves of the BJP and those who were managing the elections to somehow cobble up a majority has been defeated. As far as Haryana is concerned, all afternoon I have been in touch with the Election Commission. The Election Commission has replied to my complaints. I have replied to the reply. We have received very serious complaints on the process of counting, the functioning of EVMs in at least three districts. In at least three districts. There are more that are coming in. We have spoken to our senior colleagues in Haryana, and this information is being collected. We hope to present this
in a consolidated form to the Election Commission tomorrow or day after. We will seek time. But I just want to reiterate that the results in Haryana are totally unexpected, completely surprising and counterintuitive. It goes against ground reality. It goes against what the people of Haryana had made their mind up for, which was for change and transformation. I think under these circumstances, it is not possible for us to accept the results that have been announced today. Serious questions have been raised by our candidates. We will bring it to the notice of the Election Commission. And what we have seen today in Haryana is, I think, a victory for manipulation, a victory for subverting the will of the people, and it's a defeat for transparent democratic processes. So I will only say this, but the chapter on Haryana is not complete. It will continue. The chapter in Jammu and Kashmir, of course, there will be a coalition government. And as I said, till yesterday, various attempts were being made to ensure that the majority will not come to the INC-NC coalition. But the people of Jammu and Kashmir have given a very clear mandate for this coalition government. Thank you. Sir, Meera. सवाल सर आपको नहीं लगता कि आप ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोएलिशन को मैंडेट मिला लेकिन 38 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 6 जीत पाई है 6 पे ही आगे चल रही है आप लोगों के खाते में उतनी आई वहाँ पर एज ए पार्टी आप लोगों को नुकसान हुआ है और आपके जो कोएलिशन पार्टनर्स हैं शिवसेना की तरफ से जो उनकी सांसद हैं उन्होंने कहा जहां पर भी कांग्रेस की बीजेपी से सीधी लड़ाई होती है वहां पर कांग्रेस उनको नहीं हरा पाती अलायंस के साथ ही हरा पाती है और हरियाणा में आपको लगता नहीं कि इन फाइटिंग का नुकसान हुआ 16 आपके सिटिंग विधायक जो है वो चुनाव हारे हैं उस पर क्या कहेंगे आप हरियाणा के बारे में जो कुछ हमें विश्लेषण करना है ज़रूर हम करेंगे पर पहली बात हमें इलेक्शन कमीशन तक जो शिकायतें आ रही हैं अलग अलग ज़िलों से वो पहुंचाना है हमने क्या किया क्या नहीं किया गलती कहाँ हुई इसका विश्लेषण ज़रूर होगा इस पर चिंतन ज़रूर होगा बहस ज़रूर होगी एक समिति का भी गठन होगा ये प्रथा रहा है कांग्रेस पार्टी में और सबसे बातचीत करके ही ये विश्लेषण होगा पर अभी विश्लेषण का वक्त नहीं है अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमसे जीत छीना गया है तंत्रों का दुरुस्तेमाल हुआ है दुरुपयोग हुआ है और लोगों की जो भावना थी और सब ने ये महसूस किया कि जमीनी हकीकत बदलाव के पक्ष में था परिवर्तन के पक्ष में था और आज वो परिणाम जो आया है उसको नहीं दर्शाता तो प्राथमिकता हमारे लिए ये है विश्लेषण जरूर होगा जम्मू के बारे में जो आपने सवाल किया मैं स्वीकारता हूँ कि हमारा प्रदर्शन जम्मू में और बेहतर होना चाहिए था इसके भी कुछ कारण हैं उस पर भी चिंतन होगा विचार विमर्श ज़रूर होगा पर महाराष्ट्र में मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पहले स्थान पर थी और गठबंधन का एक धर्म होता है जो हमारे आपस की बात होती है हम एक दूसरे से बोलते हैं
मीडिया के द्वारा हम नहीं बोलते, हम गठबंधन में हैं महाराष्ट्र में, उस गठबंधन को मजबूत करना हमारा कर्तव्य बनता है, हम कुछ नहीं कहेंगे हमारे गठबंधन के साथी दलों के बारे में। पर जो चुनाव के नतीजे आए हैं हरियाणा को लेकर, उस पर कई सवाल, गंभीर सवाल उठे हैं, उसको आगे ले चलना इसी तक और इसी के साथ बात करना हमारा फर्ज बनता है। अगले 2-3 दिन में हम वो करेंगे और जम्मू और कश्मीर में शीघ्र ही हम उम्मीद करते हैं कि एनसी और आईएनसी गठबंधन सरकार बनेगी, एक साझा कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और जो जनता की उम्मीदें हैं उसको पूरा करने की पूरा प्रयास करेंगे और उसमें पहले स्थान पर जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस लौटाना है। इसके लिए एनसी भी वचनबद्ध है और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी वचनबद्ध है। इधर पवन ने जो कहा कि जम्मू कश्मीर में जो जो आपने फैक्टर्स गिनाए वो सब सही थे, उसके बावजूद एक लग रहा था कि आपकी क्लियर रोड अहेड टू विक्ट्री है जम्मू में, जहां पर बीजेपी बहुत डाउन एंड आउट थी, क्या ये सच है कि जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं कि आपका पार्टी यूनिट, आपके लीडर्स, यहां तक कि आपका जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ जम्मू कश्मीर कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज थे और उन्होंने बीजेपी से सकम करके, कॉम्प्रोमाइज करके ये हार आपके हाथ में दी है? क्योंकि 6 सीट में ये अभी आगे हैं और कितना गिरेगी पता नहीं या ऊपर होगी, पर ये जो सिचुएशन है, जो आपने बीजेपी को विक्ट्री दी है जम्मू में, ये आपकी पार्टी के लोगों ने दी है, क्या इसे आप एग्री करेंगे? जैसा कि मैंने कहा, जीतें या हारें उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देना ना केवल गलत होता है, वो प्रतिक्रिया सही भी नहीं होती। बिना विश्लेषण के, बिना सबसे इनपुट लिए, बिना सब कार्यकर्ताओं से बैठक करके उनके विचार जाने, मैं नहीं मानता कि इस तरह की किसी प्रतिक्रिया पर हम कोई मोहर लगा सकते हैं। सर, अरे पूछ लीजिए। सर, ये जो 3 जिलों का आपने जिक्र किया, तो ये कौन से जिले हैं और कितनी सीटें इसमें प्रभावित हो रही हैं इन जिलों में, ये हम लोग जानना चाहेंगे। और थोड़ी अजीबोगरीब बात नहीं है कि एक तरफ आप जम्मू कश्मीर की जीत और आगे क्या प्रक्रिया रहेगी उसका जिक्र कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं वहाँ पे जनता की जीत हुई, और दूसरी तरफ कह रहे हैं हरियाणा में अंगूर खट्टे हैं, हरियाणा में हमारी जीत छीनी गई है। अजीबोगरीब तो तब होता, जनता को क्या मैसेज? अजीबोगरीब तब होता कि जब हम कहते कि नहीं साहब सब जगह खराब है मशीन, हम पूरे हरियाणा के लिए भी नहीं कह रहे कि सब जगह खराब है। हम नारनौल असेंबली का ही अगर आपको उदाहरण दें तो साफ, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, साफ सामने दिखता है, आंकड़े हैं, सब मशीनें सामने रखिए, जिन मशीनों के यूनिट की बैटरी 99% है वो मशीनें हमें हरा रही हैं, जिनकी बैटरी, और स्वाभाविक रूप से बैटरी कम होती है, 60-70% पे आई है, उसमें हम जीत रहे हैं। तो ये एक संयोग नहीं हो सकता। ना केवल नारनौल में ये बात है, पानीपत में ये बात है, आपने बोला कौन कौन से जिले, हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, ये 3 में तो है और बाकी जगहों से भी छुटपुट ऐसी शिकायतें आनी शुरू हुई हैं। रात तक जितनी भी शिकायतें इकट्ठी होंगी, कल तक जितनी इकट्ठी होंगी, फिर जैसा कि जयराम रमेश जी ने कहा, हम चुनाव आयोग तक जाएंगे। तो हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि भाई पूरा ये सारी मशीनें खराब हैं, हम तो हरियाणा के लिए भी नहीं कह रहे कि सारी मशीनें खराब हैं, लेकिन जहां जहां हस्तक्षेप हुआ है वहां की बैटरी 99% है। आप मुझे बताइए, इतने दिन से मशीनें पड़ी हैं 99% और सबकी स्टैंडर्ड, सबकी 99% कैसे हो सकती है? और जिनमें, जिनको नहीं छेड़ा गया उसमें कोई 60% है, कोई 70%, और ऐसा नहीं कि शिकायत दोपहर को हुई हो, मशीनें खुलने के वक्त ही हमारे कैंडिडेट ने शिकायत की थी, तब तो कोई रिजल्ट नहीं आया था। तभी राव नरेंद्र सिंह जी ने उसी वक्त शिकायत करनी शुरू कर दी थी, हमें फोन करना शुरू कर दिया था, तब रिजल्ट आना शुरू नहीं हुआ था। इनफैक्ट तब तो आप लोग बाहर जो हमें दिखा रहे थे कि रुझान हमारे पक्ष में चल रहे थे 70-71 सीट पे, तब भी हमने लिखित शिकायत हमारे राव नरेंद्र सिंह जी ने और पानीपत वाले कैंडिडेट ने करनी शुरू कर दी थी। सर,
So you said that results are not acceptable to the Congress. Could you elaborate on that? What are the, apart from approaching the EC, will you also take legal recourse? What do you exactly mean when you say that it is not acceptable to you? Well, in response to जो मौसमी ने सवाल किया था, कितने सीटों का सवाल है, हमारा अनुमान है कि 12-14 सीटें ऐसे हैं जहां गंभीर, इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, पर पहला लिस्ट जो हमने तैयार किया है 12 या 14 सीटें ऐसे हैं जहां गंभीर सवाल उठाए गए हैं उम्मीदवारों द्वारा, तो ये कल ही बता पाएंगे फाइनल कितने सीटें हैं, पर आज मैं बता सकता हूं 12 से 14 सीटें पर गंभीर सवाल उठते हैं. The reason why, you know, we are not accepting it is because not only is it surprising, not only is it unexpected, but there are serious issues that have been raised on the integrity of the counting process, of the functioning of the EVMs in at least 4 districts, as my colleague has already identified, in which about 12 to 14 constituencies are involved. It could be more. We will have the final list tomorrow. We'll share it with you. We will be going to the Election Commission. Election Commission is our first stop. We have to go to the Election Commission. It's a constitutional body. It's an independent body. We expect it to function constitutionally and independently. And so we will be seeking time from them. We hope to get time from them. We hope to submit our list of detailed complaints to them, and then afterwards whatever is required to be done will be done. But as of today, we cannot accept the fact that the results reflect the proper functioning of our democratic system. There are serious questions on the integrity of the instruments of the system, namely the EVM, and also the extraordinary pressure that has been brought to bear on local administration officials. Remember, Haryana has been a double engine government, so it's a double engine pressure. It's a pressure from the state government and a pressure from the union government as well. So there was an environment in which people have lost by 200 votes, 300 votes, 50 votes. People who were leading, who had healthy leading margins, have ended up losing by 100, 200, 250 votes. This is, can be explained only by manipulation and pressure. सर, अब तक आपके पास जो तथ्य सामने आए हैं, क्या इस नतीजे पर आप पहुंचे हैं कि कोई सुनियोजित ढंग से कोई ईवीएम में गड़बड़ी की गई है? क्या आप ऐसा कोई नतीजे में पहुंचे हैं कि कोई सुनियोजित ढंग से हुआ ऐसा कुछ, या अभी उसमें देखना बाकी है कि ईवीएम में गड़बड़ी कोई बड़े पैमाने पर की गई है? भाई, अगर 99% बैटरी स्टैंडर्ड एक के बाद एक मशीनों पर निकल रही हो और उन्हीं मशीनों पर कांग्रेस का उम्मीदवार हार रहा हो, जिन मशीनों पे 60-70 स्वाभाविक जो होना चाहिए उतनी बैटरी उस पर हम जीत रहे हों, तो आप बताइए सुनियोजित नहीं माना जाएगा तो क्या माना जाएगा? ये नतीजे सवाल खड़े करते हैं और इन सवालों को ढूंढना हम सबका राजधर्म है. हम सबको इस लोकतंत्र को बचाने के लिए इन सवालों का जवाब ढूंढना चाहिए, आपको भी और हमको भी. आप समझे, ये साजिश समझे, जहां 99% बैटरी है वहां बीजेपी की जीत होती है, और जहां 70% के नीचे बैटरी है वहां कांग्रेस की जीत होती है. ये संयंत्र नहीं है तो और क्या है? हाँ जी, दो राज्यों के चुनाव हो जाने के बाद नहीं, नहीं, अभी इन दो राज्यों तक ही सीमित रखेगा. नहीं, राज्यों के बाद मैं उसी पे सवाल कर रहा हूँ. दो राज्यों के चुनाव हो जाने के बाद परिणाम भी आ गए हैं, तो ईवीएम को लेकर के क्या मत है आपके? यही तो बात कर रहे हैं हम लोग. चलिए, और कौन, और कोई सवाल? हाँ जी, बोल दो, आवाज आ रही है. सर, क्या लगता है कि दो दिन, ढाई दिन का जो मतलब इन्वेस्टिगेशन होगा, उससे कुछ निकल के सामने आएगा?
हमारा जो काम है और जो कर्तव्य है, चुनाव आयोग के दरवाजे पे दस्तक देना और तेज दस्तक देना ताकि आवाज़ आप सब तक पहुंचे, और उसके बाद जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है इस लोकतंत्र को जीवित रखने की। आपने सुना होगा कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, हम अपना कर्म निभा रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं। शिकायत करना हमारा फर्ज बनता है और हमारा लोकतांत्रिक अधिकार भी बनता है। जो हमने देखा है 99% बैटरी, 65% बैटरी, ये सब मैं समझता हूँ काफ़ी आश्चर्यजनक बातें निकल कर आई हैं हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, ये आश्चर्यजनक नतीजे हैं, अप्रत्याशित नतीजे हैं, और लोगों की भावना के खिलाफ ये नतीजे हैं। जो माहौल था, जो ज़मीनी हकीकत था, उस माहौल के खिलाफ है। मैं समझता हूँ बीजेपी भी नहीं उम्मीद करती थी कि वो हरियाणा जीतने वाले हैं। जितवाया गया, जीते नहीं है, जितवाया गया। हाँ सर, टॉकिंग अबाउट जम्मू कश्मीर, वन थिंग दैट हैज बीन द कॉन्स्टेंट डिमांड ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस इज द रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370. वॉट विल द कांग्रेस स्टैंड बी ऑन दैट? विल द कांग्रेस सपोर्ट ओवर देयर? बिकॉज द मैंडेट दैट हैज कम, इट हैज कम स्पेसिफिकली फॉर द नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड दिस इज वन ऑफ द डिमांड। सो वॉट विल द कांग्रेस स्टैंड बी ऑन आर्टिकल 370? फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड एन अलायंस विद द नेशनल कांग्रेस। द पोलिटिकल एटमोस्फियर इन जे एंड के was transformed after the Bharat Jodo Yatra. And that transformation had an effect on all political parties which were seen to be aligned with the Indian National Congress. So let's not underestimate the importance of the role of the Indian National Congress. The National Conference has scored a handsome victory. And we congratulate the National Congress. They are our ally. But to say that the Indian National Congress has not had a role in the transformation in the political environment in J&K in the last 2 years flies in the face of reality. The Bharat Jodo Yatra was a transformational movement as far as the politics of J&K is concerned. We should never minimize or underestimate the achievement of Mr. Rahul Gandhi in Jammu and Kashmir particularly, both in Jammu as well as in Kashmir. Our priority, you asked the question, our priority immediately, Mr. Gandhi has already said this in his election campaign, the Congress president has said it in his election campaign, our immediate priority is to restore full statehood to Jammu and Kashmir. It was downgraded to the status of a UT 5 years ago. It's never happened before in Indian history. It should not happen. But restoration of full statehood status and giving a democratically elected chief minister and his council of ministers full constitutional authority is our priority. We don't want an alliance government to be at the beck and call of the LG. The LG cannot run Jammu and Kashmir anymore. Jammu and Kashmir has to be run by this democratically elected government. Sir, that the Congress candidate from Jind, his name is Bijender Singh. We just got his bite and he's stating he's lost the election by 32 votes. You were mentioning that a lot of elections have been lost in very thin margins. And while you also spoke about the foul play, he has said that this defeat is because of the independent candidate cutting his share. So that does... There could be different reasons in different areas. What the complaints that we've got and that we are getting are from three districts primarily.
And then when we compile those complaints, we'll take them to the Election Commission. As I said, one size doesn't fit all. Different constituencies have different reasons for their victories or defeats. Haji. सर अभी मैंने एक बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का इंटरव्यू किया तो उनका कहना है कि जब कांग्रेस जहां जीती वहां ईवीएम सही होता है, जब वो हार जाती है तब कहती है ईवीएम खराब होता है, तो इस पर सर क्या कहेंगे? 2009 में अडवाणी जी ने एक किताब का रिलीज़ की थी, लॉन्च की थी, जो जीवीएल नरसिम्हा ने लिखी थी ईवीएम्स के खिलाफ, और उसमें पूरा टेक्निकली समझाया था कि ईवीएम्स कैसे गलत हैं। तो उनको कहिए पहले 2014 का रिजल्ट को ठुकराएं, रिजेक्ट करें, 19 को रिजेक्ट करें, फिर हमसे बहस करें आकर। By elections, the fact that the Congress did reasonably well, and now having all eggs in one basket, allowing infighting to take place, and are not really reading the writing on the wall that you have to have a house in order. If there was any lesson that was learned in 2024, was for Congress to be united and fight together. What was the reason? Because we saw Selja speaking out, we saw Huda there. What could you kindly explain to us why the Congress has shot itself on its foot? The writing on the wall was the Congress will come back to power. That was the writing on the wall. That has been deliberately erased. The writing on the wall was very, very clear to anybody who was willing to read the writing on the wall. Why did it happen? But, there are people who are experts in replacing walls. They just replace the wall. Or machines. In this case, machine. So I have already explained, I don't think you were there when I was explaining, that as far as the results are concerned, Haryana result, our first priority is to collate, consolidate all the complaints that have come from candidates from the three districts today. There will be other complaints, and we hope to submit this to the Election Commission tomorrow evening or day after. That is our immediate priority. Simultaneously, of course, we will sit and introspect why the result went the way it did. It was everybody's expectation that the Congress would win comfortably in Haryana. I think all I can say is that the Congress has been made to lose. Congress has not lost. Congress has been made to lose in Haryana, and you have not heard the last of the Haryana result. Lok Sabha mein Haryana mein aapne dekha hamari kaisi achhi performance rahi. Kabhi bhi kisi ek natije ko dusre natije se tulna nahi karni chahiye. Yahi hum seekhe hain pichle 20-25 saal. बिल्कुल नहीं, जोश बढ़ गया है हमारे कार्यकर्ताओं में, रोष भी है, गुस्सा भी है, और हमारे समर्थकों में भी पूरा रोष है. अगर कोई ये सोच लेता है कि हमारे हाथ से जीत छीन सकता है, तो आने वाले चुनाव में उसको जवाब मिलेगा. थैंक यू. ओके ओके ओके.